नेपाल से 150 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ विष्णु अवतारी शालिग्राम देवशिला रथ देर रात गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचा। बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद इसे अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया, जहां जय श्री राम के उद्घोष के बीच इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने और गोरखनाथ मंदिर में शालिग्राम देवशिला के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। गोरखनाथ मंदिर परिसर से शालिग्राम को अयोध्या धाम के लिए पूरे उल्लास के साथ रवाना किया गया। गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के साथ मंदिर के अन्य पुजारियों और जनकपुर नेपाल से आए पुजारियों ने विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया, जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने बताया कि ये ऐतिहासिक क्षण है। गोरखनाथ मंदिर से अयोध्या धाम के लिए शालिग्राम शिला को प्रस्थान कराया जा रहा है। पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया है। इस शिला के अयोध्या पहुंचने के बाद इसे भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा तैयार की जाएगी। यहां सैकड़ों श्रद्धालु शिला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। वहीं नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ने कहा कि 7 माह पूर्व राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के समक्ष इस पत्थर को लाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि श्री राम मंदिर हजारों वर्षों तक हिंदू आस्था का केंद्र रहेगा। यही वजह है कि नेपाल सरकार ने जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सहित वाटर कल्चर को समझने वाले विशेषज्ञों की टीम भेजकर काली गंडकी नदी से इस पत्थर को चुनकर निकाला, जो 6 करोड़ वर्ष पुराना है। इसकी आयु अभी 1 लाख वर्ष बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ नेपाल का जो रिश्ता है वो अनंत काल तक कायम रहेगा। राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जिसके लिए बनने जा रहा है वो राम ही है। वो श्री राम का अवतार नेपाल के काली गंडकी नदी के शिला से होने जा रहा है। यह उमंग, गर्व और खुशी की बात है। नेपाल की सरकार और पूरी जनता ने तन मन से इस शिला को खोजने और हस्तांतरित करने में साझेदारी दिखाई है, जिससे रिश्ता और प्रगाण होगा। यह सब भगवान श्री राम की कृपा है। भारत की सर्वोच्च अदालत ने विवाद का निपटारा किया। सभी हिंदू मुस्लिम धर्म के लोगों ने सहर्ष इसे स्वीकार किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए काठमांडू से आए अर्जुन विशाल, देवशिला यात्रा के सदस्य आयुषी राय, निधि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखनाथ मंदिर के पुजारी योगी शांतिनाथ, देवीपाटन मंदिर के पुजारी योगी मिथिलेश नाथ, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी कमलनाथ, हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व महामंत्री इंजीनियर पी के मल एवं नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ने कहा। स्वाहा बोलने से ही हमारे अंदर समर्पण भाव उत्पन्न होता है और स्वाहा बोलने से हम सबकी आहुति स्वीकार की जाएगी। हाथ जोड़ी थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। अब चार दूसरी आहुति डाल रही हूँ। पहली आहुति उत्तर अग्नये स्वाहा, बिल्कुल कम सामग्री डालिएगा क्योंकि हवन कुंड छोटा है। रात्रेन्द्रवत्या विषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा, बड़ा 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 बड़ा।
महाराज की जय। गुरुनाथ जी महाराज की जय। गुरु गोरखनाथ जी महाराज मेरा नाम अर्जुन विशाल है, कहाँ का है? काठमांडू से। यहाँ पे शालिग्राम तिलक है, पूजा पाठ किया जाता है, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, स्वयं नारायण भगवान का पूजा हो रहा है और हम हिंदू है, आस्था से भी है और इस मौके पे सहभागी होने का जो मौका मिल गया है ये बड़ा सौभाग्य की बात है। नेपाल सरकार ने भारत सरकार को ये पत्थर दिया, कितना खुशी है? बहुत खुशी है क्योंकि ये ऐतिहासिक पत्थर है और कहा जाता है कि शालिग्राम भगवान के जो अंदर होता है सोना सोना तो होता है, छोटा शालिग्राम की शिला में सोना मिलता है और उसके चक्र विभिन्न आकार रूप शिला अंदर होता है, तो इतना बढ़िया चीज़ जो भगवान राम के प्रतिमा के लिए जो दे रहा है वो तो सबसे बड़ा बात है, हिंदुओं के लिए गर्व की बात है, इससे बड़ा गर्व क्या होता है। इसी के नाते से स्वयं गंडकी की महिमा प्रचार कर रहे हैं आप लोग भारत में, सारा भारत का मीडिया अभी यहाँ गोरखपुर में है तो सब लोग प्रचार भी हो रहा है भगवान नारायण का, उस नदी का महिमा हो गया ताकि
सब संसार भर के हिंदू वहाँ पर जा पहुँचे, स्नान कर पहुँचे, तो इससे बढ़िया बात क्या हो जाएगा। मेरा नाम आयुषी राय निधि है, मैं काठमांडू से आई हूँ। शिला लेके चली आपको क्या कहते हैं? ये बहुत ही बड़े हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, और ये इतना बड़ा भव्य चीज़ जो यहाँ पे हो रही है, इससे मेरे जीवन में पहली बार ऐसा कुछ देख रही हूँ, तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ अपने आप को। थैंक यू बहुत ज्यादा। गोरखपुर वासियों के लिए बहुत अद्भुत पल है कि नेपाल राज से चल करके आज इस धरती पर ये सुनाएं आई हैं। भगवान श्री राम भारत के कण कण में हर एक व्यक्ति में है, भगवान श्री राम भारत की आत्मा में है, और आज इस शिला के प्रति लोगों की श्रद्धा ने इसको सिद्ध कर दिया है कि भगवान श्री राम को कोई भारत से अलग नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि कल रात 1:30 बजे से आज सुबह तक ही लोगों का तांता नहीं टूटा है, लोग अपने घरों से स्वतः प्रेरणा से बिना जलपान के बिना भोजन के लोग निकल के आ रहे हैं, और शिला का केवल एकमात्र दर्शन करने और छूने का प्रयास करने से ही उनके अंदर एक भावना आ रही है, और भारत नेपाल का जो संबंध है वर्षों का संबंध इस शिला के द्वारा और प्रगाढ़ होने वाला है, क्योंकि हम लोग के बीच में एक मैत्री संबंध रहा है, एक रोटी और बेटी का संबंध रहा है, और इस शिला भेज करके नेपाल ने हम लोग के उस संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने का कार्य किया है। बहुत ज्यादा उत्साह तो देखने से चेहरे से और व्यक्तियों से महसूस हो रहा है, चारों तरफ हर्ष का माहौल, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी घर में बारात आती है, किसी घर में कोई ऐसा सामाजिक कार्यक्रम होता है, ऐसे स्वतः प्रेरणा सब अपने प्रसन्न है, सब अपने स्वतः प्रेरणा से सारे कार्य कर रहे हैं। यो भी शांति राम, देखिए भगवान श्री राम जो है रोम रोम में रमे हुए हैं, है ना, और ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनके उस राम नगरी का जो उद्घाटन होने जा रहा है, वहीं के लिए ये पाषाण जो है गंडकी नदी से नेपाल के माध्यम से होते हुए सारा उन स्थानों से होते हुए आ रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री राम और माता जानकी के पदार्पण हुए, और तदुपरांत आज इसका गोरखपुर पहुँच करके यहाँ पर पूजन अर्चन बंधन स्तवन किया जा रहा है, और यहीं से इसका प्रस्थान फिर वापस अयोध्या में श्री राम नगरी में होगा, जहाँ पर समस्त अनेक धर्म से विभोर व्यक्तित्व उसके पूजन के शास्त्रों की विधि से अपने में करवाएंगे। इसी के साथ में मैं सभी यहाँ पर जनमानस का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये उत्साह ऐसा है कि जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता, अनिवर्तनीय है ना, अवर्णनीय है। नाम योगी को देखिए, क्योंकि काफी दूर से जो है, क्योंकि नेपाल का और भारत का एक संबंध है, और भारत और नेपाल का संबंध है, द्वैपायन शक्तिपीठ में भी इसी तरीके का पुरातन राज्य का भी संबंध है, पौराणिक है, तो ये हम सबकी खुशी का विषय है, और क्योंकि वहाँ से ये शिला जो है कि चलकर गोरखपुर पहुंची है, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्देश्यों को जो है कि ये शिला जो है पूरा कर रही है, क्योंकि एक सपना था इस पीठ का, राम मंदिर भव्य बने और वो बनकर तैयार हो रहा, और इस शिला से जो है भगवान राम की प्रतिमा जो है स्थापित होगी, हम सबके लिए खुशी मिली। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे नगर में, पूरे देश के अंदर हर जगह से जो है कि लोग भारी तादाद में आ रहे हैं, और जगह जगह पे जो है कि लोगों ने स्वागत किया है, पूजा पाठ किया है, तो ये सबकी खुशी की विषय का बात है। आज पूजा पाठ किया, पूरे महात्मा सब जनता की यहाँ से अयोध्या प्रसारण करेंगे, वहाँ राम राम सीता का मूर्ति बने प्रचार है, शिला का पूजा मंगे गए, वहाँ भी पूजा पाठ होते रहेंगे। अभी 10 बजे ये बहुत ही हम लोगों के लिए विलक्षण और लौकिक दृश्य है, ये क्योंकि श्री गोरखपीठ ने राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था, और आज जब 500 वर्षों की गुलामी के बाद भगवान श्री राम अपने स्थान पर विराजे और उनकी मूर्ति बनने के लिए ये शिला श्री गोरखपीठ में पहुंची है, तो राम जन्मभूमि आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कितनी खुशी होगी, और इस गोरखपीठ से जुड़े हुए लोगों की कोई सीमा नहीं है। आज लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, रात में करीब 1 बजे के आसपास में यहाँ पहुंची थी शिला, और यहाँ अभी थोड़ी देर पर पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। और ये तो समझिए कि 500 वर्षों के जो गुलामी के बाद, और ये जो हम लोगों की गुलामी एक सांस्कृतिक गुलामी थी, उससे हम लोग को आज़ादी मिली, और उसके बाद एक भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर के साथ में ये शिला जो यहाँ पे है, तो इसको छूने के लिए, इसकी पूजा करने के लिए लोग इतने उत्साहित दिख रहे हैं, और ये हम लोग के लिए अलौकिक दृश्य है। जी ये देखिए, राम और सीता का सुविवाह हुआ, और राम का पैतृक भूमि अयोध्या है, राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनकी शादी हुई थी सीता से या जानकी से, जानकी का पैतृक भूमि जनकपुर है, मिथिला है, राजा जनक की पुत्री हैं, तो
जिस तरह से राम और सीता का सुविवाह हुआ और उससे एक बहुत आधार संबंधों का बहुत बड़ा आधारशिला निर्माण हुआ, वो आज तक कायम है और सुदूर भविष्य तक अनंत काल तक ये नवीकरण से जो आज का नवीकरणीय का शिला को हम लोग भेज रहे हैं अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनने के लिए अपने आप में एक अद्भुत आधुनिक युग में चमत्कारिक काम सब वही करते हैं, राम जी और सीता जी करते हैं, जो करवा रहे हैं कर रहे हैं और इससे नेपाल और भारत के बीच में ये संबंध बहुत ही दीर्घायु होगा, टिकाऊ होगा और अनंत काल तक होगा। इसके देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक तो इसका माने है ही, अर्थ है ही, लेकिन हर लोग राजनीति में लगने वाले हर लोग क्या कहते हैं, क्या ऐसा नहीं होगा राम राज की तरह, तो बताइए आप, ये राम राज भी है, राजनीति से अलग नहीं है ये। दो बजे एक इलाज का ट्रक पर सर कितना गुस्सा दिख रहा है? बहुत बहुत गुस्सा दिख रहा है।